बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन इंथैल्पी, आवर्त में आयनन विभव, वर्ग में आयनन विभव, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शिवम शुक्ला है। आज मैं आपको बता रहा हूं आयनन विभव या आयनन इंथैल्पी या आयनन ऊर्जा किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में उपस्थित बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन इंथैल्पी कहते हैं। देखिए आयनन इंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में उपस्थित किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में उपस्थित बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन इंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। बच्चों ये आपका परमाणु एक गैसीय अवस्था में है, अब इसको हमने ऊर्जा दे दी, जब ने इसको ऊर्जा दी तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये आपका हो गया ए प्लस। अब इस परमाणु को जब ने ऊर्जा दे दी तो इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, आपका बन गया ए प्लस। बच्चों परमाणु के बाह्यतम कोष से प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे प्रथम आयनन विभव कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोष से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे द्वितीय आयनन विभव कहते हैं। इसी प्रकार परमाणु के बाह्यतम कोष से तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे तृतीय आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल प्रति परमाणु या जूल प्रति परमाणु, लेकिन इसके मुख्य इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों हम लोग आते हैं आयनन विभव में वर्ग में क्रमिक परिवर्तन। तो वर्ग में आयनन विभव क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है, आयनन विभव के मान में कमी होती है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार में वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, वर्ग में आयनन विभव, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मान में कमी होती है, आयनन विभव का मान घटता है क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं आवर्त में आयनन विभव, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है क्योंकि परमाणु के आकार में कमी होती है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है क्योंकि परमाणु का आकार घटता है तथा नाभिकीय आवेश बढ़ता है। बच्चों मैं आशा करता हूं यह टॉपिक आपको आयनन इंथैल्पी या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए।